वेल कॉर्पोरेट राउंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगली कंपनी जो हमारे फोकस में है डायग्नोस्टिक सेक्टर की बड़ी कंपनी मेट्रोपोलिस। कल कंपनी के तिमाही नतीजे जारी हुए और नंबर्स काफी अच्छे रहे। मुनाफा 40% बढ़ा, आय में भी 23% की ग्रोथ देखने को मिली। आगे क्या है योजनाएं कंपनी की और क्या है आउटलुक जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी की प्रमोटर और एमडी अमीरा शाह हमारे साथ शो में जुड़ रही है। निशा गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर। तो नंबर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं इस क्वार्टर के लिए, क्या ये मोमेंटम आपको लगता है कंटिन्यू करेगा और आगे भी इससे बेहतर आप कर पाएंगे? और कोविड और नॉन कोविड टेस्टिंग का भी एक बार आप हमें थोड़ा ब्रेकअप दीजिए इस कमिंग इस क्वार्टर में और आगे के ट्रेंड्स। जी आप देखिए तो Q3 में 81% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम नॉन कोविड, 19% ऑफ द टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम कोविड। तो आप देखिए तो नॉन कोविड पे यू नो देयर इज अ स्मॉल ग्रोथ बिकॉज ऑब्वियसली द मार्केट्स हैव नॉट द इंडस्ट्री हैज नॉट कम बैक टू नॉर्मलसी येट। हर ज्योग्राफी में देर इज अ डिफरेंट डायनामिक। बहुत दूसरे इंडस्ट्रीज में तो आप देखिए तो पीपल आर ओनली एट 60-65% ऑफ नॉर्मल वर्क वॉल्यूम्स। हेल्थ केयर में आप देखिए तो इट इज बिटवीन 85-95% डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन बहुत स्ट्रिंजेंटली मेंटेन किया है तो पीपल आर स्टिल बीइंग कॉशियस और बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज बाउंड टू इम्पैक्ट। मुझे लग रहा है कि एक दो क्वार्टर और लगेंगे फॉर थिंग्स टू कम बैक टू मोर नॉर्मलसी बिकॉज पीपल विल स्टार्ट गेटिंग वैक्सीन। तो फिर मन में भी ये जो कॉशन है वो भी कम हो जाएंगी। सो आई थिंक वी आर स्टिल अबाउट अ क्वार्टर टू टू क्वार्टर्स फॉर द इंडस्ट्री अवे फ्रॉम नॉर्मलसी इन टर्म्स ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर। वो टाइम तक ऑफकोर्स कोविड हैज बीन अ ब्रिज, कोविड रेवेन्यूज एंड टेस्टिंग जो अंदर आई है इट हैज हेल्प्ड द इंडस्ट्री मैनेज द लास्ट 9 months एंड प्रॉब्ली द नेक्स्ट क्वार्टर इज वेल। एंड अगले साल में आप देखेंगे कि कोविड विल ऑब्वियसली कंटिन्यू टेस्टिंग बट जितना सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू पे आज असर आ रहा है इट विल नॉट कंटिन्यू एज सिग्निफिकेंटली इन द फ्यूचर क्योंकि आप जानते हैं प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं और वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो इट विल प्ले अ रोल बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट इन द नेक्स्ट ईयर। ऑल राइट, सो ये है आउटलुक यहाँ पर आगे ग्रोथ ट्रेंड्स और कोविड एंड नॉन कोविड टेस्टिंग का। बट मैं ये जानना चाहती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस विच इज एटलीस्ट 50% प्लस ऑफ योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वहां पर अभी भी कम्प्लीटली जो लेवल्स हमने Q3 FY20 के थे फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज अबाउट दो सेल्स वर अबाउट 57%, वो अभी 54% है इस क्वार्टर में हमने देखा, तो वो अभी तक पूरी तरह नहीं वापस आए। वहां क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, क्या आउटलुक रहेगा और वहां पे क्या आप ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल बिजनेस तो आप देखिए इज ओनली 2% ऑफ आर रेवेन्यू एंड मोस्ट 98% ऑफ आर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक। तो इंटरनेशनल ऑफकोर्स जहां पे हम हैं अफ्रीका में वहां पे इट इज ऑल्सो कोविड इज कंटिन्यूइंग टू ऑल्सो ग्रो, तो वहां पे भी सिमिलर सिचुएशन है। कंट्री से कंट्री आप देखिए तो डायनामिक डिफरेंट है, कहां कोई जगह पे नॉर्मलसी आ गई है कोई जगह पे अभी तक नहीं आई है। तो आई थिंक इट्स अ सिमिलर सिचुएशन अनदर क्वार्टर और सो, बट मोस्ट ऑफ आर बिजनेस 98% ऑफ आर बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया। उसमें आप देखिए तो B2B और B2C हमारे दो ब्रॉड चैनल्स हैं और B2C इज ग्रोइंग अ लिटिल बिट फास्टर देन B2B। B2B इज कॉम्बिनेशन ऑफ जो हॉस्पिटल्स होते हैं, लैब्स होते हैं जो हमें स्पेशलाइज टेस्ट भेजते हैं वहां पे। तो आप देखिए तो वो हॉस्पिटल्स में अभी भी कोविड ट्रीटमेंट हो रही है तो पूरे दूसरे नॉन कोविड के पेशेंट्स अभी तक नहीं आ रहे, 100% नॉर्मलसी नहीं हुई। और आप छोटे छोटे लैब्स देखिए तो ये जो छोटे लैब्स हैं कई फाइनेंशियल चैलेंजेस में से बंद हो गए हैं और कई पूरा टाइम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो देर इज अ B2B इज अ लिटिल बिट स्लोअर इन रैम्पिंग अप, B2C हैज रैम्प्ड अप बेटर। B2C इज बेटर इन रैम्प्ड अप, B2B थोड़ा भी स्लो है। क्विकली एक सवाल, बिकॉज हम देख रहे हैं कि आप एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज देखते रहते हैं। इनफैक्ट आपने रिसेंटली एक्वायर किया है 100% स्टेक इन हाईटेक लैब्स, किस तरीके की सिनर्जीज वहां से आपको दिख रही है और आगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट? ऑर्गेनिक प्ले तो है ही बट इनऑर्गेनिक में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या है कैश ऑन बुक्स इस वक्त मीरा? अब देखिए तो Q3 के क्वार्टर एंड पे वी हैड ऑलमोस्ट 380 करोड़ ऑफ कैश ऑन बुक्स और आप देखिए हमारी फ्री कैश फ्लो इम्प्रूव भी हो गई है, डेटर डेज कम हो गए, वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव हुई है। तो जनरली वी आर ऑन अ स्ट्रांग फुटिंग। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन हम करते जाएंगे जहां पे हमें अच्छे क्वालिटी डील्स मिलेंगे। हमारी इंडस्ट्री में बहुत लैब्स हैं लेकिन जिनमें से अच्छे क्वालिटी लैब्स हैं जहां पे स्केल है और एथिक्स है, क्वालिटी है, बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि खाली हम वो अच्छे फर्म्स पे फोकस करें अगर हम एक्विजिशन करेंगे तो, क्योंकि हमें जो भी बिजनेस बढ़ाना है हमें सस्टेनेबल से बढ़ाना है, ऐसे नहीं खाली
ग्रो करते रहो कोई भी फॉर्मेट में. तो वी आर वेरी क्लियर ऑन आवर स्ट्रेटजी एंड वी वुड लाइक टू स्टिक ऑन इट. सो वी विल बी वेरी सिलेक्टिव ऐसे क्या करेंगे. बट एक्सपेंशन, ऑर्गेनिक एक्सपेंशन चलता रहेगा, हमारी नेटवर्क बढ़ती जाएगी. आज हम 58 सिटीज में होम सर्विसेज देते हैं, एक साल में हम 200 सिटीज में होम सर्विसेज देंगे. सो वो बढ़ता जाएगा. एंड ऑफकोर्स इफ एनी अपॉर्चुनिटीज कम अप वी विल टेक दैट इज वेल. हाईटेक एक्विजिशन आप देखिए तो इज अ लीडर इन इज अ टॉप फ्यू लीडर इन फ्यू सिटीज इन साउथ इंडिया. और आप देखिए तो हमने देखा है हेल्थ केयर में कि आप जब फ्यू सिटीज में आप एक्चुअली मार्केट शेयर बढ़ाए तो वहां पे वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है एंड पेशेंट्स को आप सर्विसेज ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं. तो हमारी यही इंटरेस्ट है कि हमारी जो फोकस सिटीज हैं बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, पूरा सूरत, उसमें हम हमारा मार्केट शेयर बढ़ाए. और हम यही कहते आए हैं कि यही हमारा स्ट्रेटजी है बी टू सी इंक्रीज करना एंड हाईटेक इज परफेक्टली अलाइंड टू दिस स्ट्रेटजी. बहुत डिटेल्स हम बाद में दे पाएंगे. ओके ऑल राइट. तो ये सिनर्जीज यहाँ मैच करती है. क्विक और बहुत ही आखिरी क्विक सवाल मेरा, गाइडेंस क्या देंगे रेवेन्यू पर पेशेंट की और रेवेन्यू पर टेस्ट गोइंग अहेड फ्रॉम हियर ऑन? देखिए रेवेन्यू पर टेस्ट एंड पेशेंट इज अ मैटर ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड चैनल मिक्स. तो ऐसे हम जैसे होम सर्विसेज बढ़ रही है, स्पेशलाइज टेस्ट बढ़ रही है, हमारे कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं उससे स्पेशलाइज टेस्ट की ये रेवेन्यू बढ़ रही है. And if these continue, then I think we should be able to maintain the current levels and maybe increase marginally. But हमारी focus नहीं है कि वो बढ़ाते रहें, हमारी focus है कि हम market share बढ़ाते रहें cities में और वही हम करते रहें. Okay, market share बढ़ाते रहें वो focus रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद अमीरा, always a pleasure speaking with you. Thank you very much. तो आगे भी trends strong and positive लग रहे हैं. अगले दो quarter of course थोड़ा सा अभी भी challenges हैं, पर उसके बाद things are looking up. For the sector and for the company. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये है मेट्रोपॉलिस के मैनेजमेंट. एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद सुपरफास्ट फ्यूचर्स.